हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर जो है आज ही के डेट में आप लोग देख सकते हैं, 78 के डेट में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है। यहाँ पर CHSL एग्जामिनेशन 2021 का यहाँ पर जो स्किल टेस्ट का रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है, तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन दे दिया गया है। तो इसी के हिसाब से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट का लिए यहाँ पर जो है कट ऑफ भी जारी कर दिया है। तो उससे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि कितना कैंडिडेट को यहाँ पर जो सिलेक्टेड किया गया है। तो यहाँ पर स्किल टेस्ट डेस्क और टाइपिंग टेस्ट के लिए यहाँ पर जो टोटल 18,873 कैंडिडेट को यहाँ पर जो क्वालिफाई किया गया है लिस्ट वन में, और यहाँ पर 220 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया डेस्क कैक के लिए, और लिस्ट टू में ये लोग आते हैं, और यहाँ पर लिस्ट थ्री में अदर देन CAG तो वहाँ पर जो है टोटल 1,067 कैंडिडेट को यहाँ पर जो सिलेक्टेड किया गया है। तो इन सभी कैंडिडेटों को यहाँ पर जो है DV के लिए बुलाया जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर में दिया गया है, इन सभी कैंडिडेटों को यहाँ पर जो है DV के लिए बुलाया जाएगा। तो नीचे अगर हम जाए तो यहाँ पर जो है कट ऑफ परसेंटेज आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट का परसेंटेज आप लोग देख सकते हैं 10% 10% 10%, यहाँ पर सब दिया गया, सिर्फ UR का 7 है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है डेस्क फॉर D1 इन CAG के लिए यहाँ पर पूरा जो है 7% करके गया है, सिर्फ UR में 5% गया है। उसके बाद अदर देन CAG के लिए यहाँ पर जो है सेम रिज़ल्ट आया है। तो चलिए मैं आप लोग को जो है रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। तो उससे पहले यहाँ पर 3 कैंडिडेटों को यहाँ पर जो है रिज़ल्ट पब्लिश नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोर्ट केस के कारण इन सब का रिज़ल्ट पब्लिश अभी नहीं हुआ है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जो रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है उसके बारे में। तो ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं, ये यहाँ पर लिस्ट वन है, जहाँ पर 18,870 कैंडिडेटों को यहाँ पर सिलेक्टेड किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीरियल नंबर वाइज, रोल नंबर वाइज, उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी नाम, तो यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर जो दिया गया है, तो यहाँ पर से भी आप लोग जो अपना नाम को सिलेक्ट करके देख सकते हैं यहाँ पर सर्च करके। तो चलिए दूसरा जो लिस्ट है उसको दिखा देते हैं। तो लिस्ट टू यहाँ पर जो है DU in CAG के लिए यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं इसी तरह से ही दिया गया। यहाँ पर से आप लोग जो है अपना नाम चूज़ करके सिलेक्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल जो है कैंडिडेट 220 कैंडिडेटों को यहाँ पर जो है सिलेक्टेड किया गया है। तो यहाँ पर उसके बाद लिस्ट थ्री अदर देन CAG के लिए यहाँ पर जो है टोटल कैंडिडेट अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो टोटल यहाँ पर जो है 1,067 कैंडिडेटों को यहाँ पर जो सिलेक्टेड किए गए हैं। यहाँ पर से आप लोग जो अपना नाम को सर्च करके देख सकते हैं आप लोग सिलेक्टेड हुए कि नहीं, आशा करते हैं आप लोग सिलेक्टेड हुए होंगे। तो दोस्तों, यही छोटे से इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर करनी थी। मैं इंटरनेट स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय।